हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। परमानेंट पोस्ट शिक्षक भर्ती का नया एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। एयरफोर्स स्कूल से एप्लीकेशन करते वक्त तो कोई भी फीस नहीं लगेगी। सभी राज्यों के कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट की अगर हम बात करें तो NTT, PRT, TGT, PGT के टीचर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी 50,000 तक आप लोगों को मिलने वाली है और जहाँ कोई फीस नहीं लगती है तो मुझे ऐसा लगता है हर कैंडिडेट जो क्वालिफिकेशन को फुलफिल करता है तो बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्मेट जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेन वेबसाइट पर एयरफोर्स स्कूल की, तो वहां पर आप लोगों को जो उसे डाउनलोड करना है और सेंड कर देना है दिए गए एड्रेस पर। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है। तो सबसे पहले जो है सब्जेक्ट आप देख लें, ये सभी रेगुलर परमानेंट पोस्ट रहेंगी। PGT फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है, रेगुलर है। TGT म्यूजिक की है, TGT हेल्थ वेलनेस टीचर्स की है। PRT की वैकेंसी जो है जहां पर बैचलर डिग्री के साथ में BEd जो है वो कंपलसरी है। NTT टीचर्स की जो है रेगुलर है। क्लर्क हेल्पर एंड वॉचमैन की कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है, ठीक है। तो ये वैकेंसी है, टीचर्स की वैकेंसी सभी परमानेंट रेगुलर है और कोई भी फीस आपके आवेदन में नहीं लगने वाली है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स को 50,000 से भी अधिक जो है सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, अगर क्वालिफिकेशन वगैरह सारी आपकी यहाँ पर आप फुलफिल करते हैं तो सबसे ऊपर दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्मेट। वैसे एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है नोटिफिकेशन के नीचे देते हैं, बट इन्होंने सबसे ऊपर दिया है एयरफोर्स स्कूल कानपुर कैंट से ये वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ सबसे ऊपर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्मेट मिलेगा और इसे जो है डाउनलोड करके फिल करके स्पीड पोस्ट करना होगा। अभी जो है क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं। PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना होगा, साथ में आपके पास डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। कंप्यूटर की जो है वो नॉलेज मांगी गई है, सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, बस कंप्यूटर की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। और एक्सपीरियंस जो है आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर के तौर पर जो है वो आपने काम किया हो किसी भी स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में। इंग्लिश जो है आपको पढ़ना लिखना कम्युनिकेट करना आना चाहिए। TGT म्यूजिक के लिए भी जो है यहाँ पर मास्टर डिग्री ही मांगा गया है, 50% मार्क्स के साथ में जो है होनी चाहिए डिग्री और डिप्लोमा आपका यहाँ पर मांगा गया है। TGT हेल्थ वेलनेस टीचर के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए या बैचलर डिग्री होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके साइकोलॉजी में। साथ में जो है डिप्लोमा भी मांगा गया है काउंसलिंग में, ठीक है। यहाँ पर जो है अगर किसी ने मास्टर डिग्री या MSc साइकोलॉजी से किया है और उसके पास भी जो है काउंसलिंग का डिग्री डिप्लोमा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। PRT की इसमें जो वैकेंसी है दो रेगुलर पोस्ट हैं और यहाँ पर जो है PRT में 12th नहीं बैचलर डिग्री यानी स्नातक जो है आपको होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। और देखिए सबसे बड़ी बात, PRT के लिए भी जो है इन्होंने BEd मांगा है। NTT टीचर्स के लिए 12th मांगा गया है, रेगुलर पोस्ट है, डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी मॉन्टेसरी प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। क्लर्क के लिए जो है यहाँ पर सैलरी 14,500 है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है। ग्रेजुएशन होना होगा यहाँ पर, टाइपिंग स्पीड मांगी गई है इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट और कंप्यूटर की जो है आपके बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हेल्पर के लिए 30,000 है, वॉचमैन के लिए भी 30,000 है। ये तीनों जो है जैसे हेल्पर वॉचमैन और क्लर्क ये तीनों ही जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है, बाकी सभी रेगुलर हैं। तो हेल्पर के लिए नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। वॉचमैन के लिए भी जो है कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। उसके बाद जो है यहाँ पर एज की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है सीरियल नंबर 1 से लेकर 5 तक 21 से लेकर 50 साल तक की उम्र होनी चाहिए, यानी टीचर्स के लिए 21 से 50 वर्ष तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो है सीरियल नंबर 6 25 से 50 और सीरियल नंबर 7 से 8 21 से लेकर 40 वर्ष तक के कैंडिडेट। तो यहाँ पर जो है 5 तक जो है दिया हुआ है NTT टीचर्स का, यानी जितने भी शिक्षक भर्ती है ये, तो इसमें 21 से लेकर 50 वर्ष तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। वुमेन कैंडिडेट और फिजिकल चैलेंज्ड कैंडिडेट को जो है यहाँ पर 5 साल की छूट भी दी जा रही है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ सिलेक्शन कैसे होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, लिखा है इम्पोर्टेंट नोट्स में, रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, इसके माध्यम से ही सिलेक्शन होगा। रेगुलर परमानेंट पोस्ट है तो ये जो है एडमिट कार्ड जो है वो जारी किया जाएगा। तो ये बात का प्रोसेस है। सबसे पहले जो है एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, सबसे पहले रीड करें पूरा।
जो भी आपको बताया है मैंने नोटिफिकेशन में वो दोबारा से पढ़ना है। उसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पर आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटोकॉपी लेनी है, उनके नीचे अपने खुद के साइन करने हैं, तो वो हो जाएंगे सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। उसके बाद ब्लू बॉल पेन लेना है, उससे आपको एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करना है, कैपिटल लेटर में बड़े अक्षरों में लिखना है। एनवलप के ऊपर, लिफाफे के ऊपर जो है आप लोगों को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोस्ट को लिखना है, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए कौन सा सब्जेक्ट वो लिखना है। स्पीड पोस्ट ही आप लोगों को करना है 10 जनवरी 2024 से पहले। एड्रेस ये लिखना है लिफाफे के ऊपर, द प्रिंसिपल एयरफोर्स स्कूल कानपुर कैंट, नत्थू सिंह रोड कानपुर कैंट 20804। ठीक है, तो साधारण पोस्ट बिल्कुल ना करें, यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है स्पीड पोस्ट ही करना होगा। और दोबारा से आप देख लें, ये रहा एप्लीकेशन फॉर्मेट जो आप लोगों को ऊपर मिलेगा। लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच सकें, क्योंकि मेन वेबसाइट पर जैसे ही आते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसको ओपन करने में, क्योंकि मुझे ही जो है वो कम से कम आधा घंटा जो है लग गया इसको ओपन करने में, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट जो हैं एयरफोर्स स्कूल कानपुर कैंट की जो है इसकी जो मेन वेबसाइट है उसे सर्च कर रहे हैं, तो इस वजह से जो टाइम काफ़ी लग गया। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट जो है ये लिंक शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग यहाँ पर पहुँच सकें, और जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म फिल करिएगा, कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ नहीं लग रही है। थैंक यू।